अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एच एड एक्स। सो भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V20 के कैमरा के बारे में। और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कैमरा रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप और भी ऐसे टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर और भी टेक वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो चलिए अपना कैमरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैमरा रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसे कैमरा के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ। इसका जो बैक कैमरा है वो है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और जबकि बात की जाए फ्रंट साइड की, तो आपको मिलता है 44 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और अगर बैक कैमरा की बात की जाए, जो कि इसका नॉर्मल फोटो मोड है, तो उसके अंदर जो आपको डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी नजर आई मुझे। ओवरऑल जो उसके परफॉर्मेंस थी और उसके जो सैम्पल्स हैं वो काफ़ी पसंद आए हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कलर्स हैं वो थोड़े बूस्ट हो जाएं, आपको मतलब जो डायनामिक रेंज है वो अच्छी मिले, तो आप HDR को भी ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फोटोज हैं वो बहुत अच्छी आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम इसके पोर्ट्रेट के बारे में। मुझे इसका ओवरऑल अगर देखो ना, तो इसका पोर्ट्रेट भी पसंद आया। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो एज डिटेक्शन थी वो अच्छी थी, और जो डिटेल्स थी वो भी नो डाउट मुझे बहुत पसंद आई हैं। लेकिन सिर्फ हल्का सा जो इसके अंदर मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा ना पोर्ट्रेट के अंदर, वो ये था कि इसका जो सॉफ्टवेयर था वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाता था। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्ट, और जो पीछे आपका ऑब्जेक्ट है फोरग्राउंड में, तो उसके अंदर डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। सो ये एक छोटा सा इशू था जो मुझे नज़र आया, जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है इस कैमरा को यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ, इसका जो पोर्ट्रेट था वो बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आया, सिवाय इस प्रॉब्लम के। पोर्ट्रेट के अलावा इसके अंदर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलती है, जो कि नो डाउट अच्छा काम करता हुआ नजर आया। बस उसके अंदर जो डिटेल्स थी एज कम्पेयर टू मेन कैमरा वो थोड़ी कम थी। उसकी रीजन ये थी कि जो मेन कैमरा था वो आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, और जो आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। सो ऑब्वियसली इनके अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको जो इनकी डिटेल्स हैं उसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए दोनों के कलर्स की, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अच्छे कलर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप मोड्स को स्विच करते हैं तो उसके अंदर जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो कि अक्सर फोन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वीवो के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं नजर आई मुझे। अगर अब बात की जाए मैक्रो कैमरा की, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे नजर आया। मैंने उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट कलर्स के, मैंने उनको भी मिक्स किया, ताकि जो डायनामिक रेंज है मैक्रो की मैं वो चेक कर सकूँ, और मैं आपको वो दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो कलर्स के अलावा जो डिटेल्स थी मैक्रो सेंसर के अंदर, वो भी मुझे बहुत पसंद आई है। मैक्रो के अलावा अब हम बात करते हैं नाइट मोड की। तो जो इसका नाइट मोड है, मैं उसे 10 out of 8 नंबर्स दूंगा। उसकी रीज़न ये कि जो दो नंबर मैंने काटे हैं, उसकी रीजन ये है कि जब ये नाइट मोड आप ऑन करते हैं, नो डाउट आपको डिटेल्स अच्छी मिलती हैं, लेकिन जो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट था ना, वो ये था कि जो कुछ एरियाज ब्लैक थे, ये उन्हें ब्राइट नहीं कर रहा था। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर बात की जाए इसके अंदर कुछ ओवर एक्सपोज चीजों की, तो हाँ उन्हें कंट्रोल करता हुआ नजर आया, उनको बैलेंस भी कर रहा था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आपको बताई है, कि जो उसके अंदर डार्कर एरिया थे उनको ब्राइट नहीं कर रहा था, जैसे थे उनको वैसे ही रहने दे रहा था। हल्का फुल्का कहीं लग रहा था कि शायद थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा काम करता हुआ नजर नहीं आया। और अगर बैक कैमरा की वीडियो की बात की जाए, तो आपको मिलता है 4K का ऑप्शन विद 30fps एंड 1080p 30fps और 60fps। लेकिन अच्छी बात जो मुझे बैक कैमरा की वीडियो के अंदर लगी, वो ये थी कि इसके अंदर आपको EIS की सपोर्ट मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, जिसकी वजह से जो आपकी वीडियो है वो स्टेबल रहती है। अगर आप चलते हुए भी वीडियो बनाते हैं या हल्का फुल्का दौड़ भी लेते हैं, तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होने वाली, मतलब जो आपकी वीडियो है वो शेकी नहीं होने वाली, तो जो आपकी वीडियो की वो काफ़ी स्टेबल रहेगी। और हाँ, अगर आप सोशल अकाउंट्स के लिए काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं, तब ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होने वाला है। और बैक कैमरा की बात की जाए, तो आपको स्लोमो की ऑप्शन मिलती है, जो कि नो डाउट अच्छा था, उसकी डिटेल्स अच्छी थी, लेकिन हल्का हल्का ना कहीं डायनेमिक रेंज का मुझे इशू आ रहा था। लेकिन जो उसके कलर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, कलर सैचुरेटेड भी थे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कलर वैसे पसंद आते हैं नहीं। मैं आपके साथ सैंपल शेयर कर रहा हूँ, और आप देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बैक कैमरा की बात करूँ तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए, तो वो आपको मिलता है 44 मेगापिक्सल का, जो कि आपको मिलता है डिस्प्ले की नॉच के अंदर। फ्रंट कैमरा 44 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको जो उसके अंदर डिटेल्स हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती हैं, मतलब जब आप सिंपल पिक्चर्स भी लेते हैं तो उसके अंदर जो आपको डिटेल्स मिलती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और अगर आप पोर्ट्रेट भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्रंट साइड में आपको जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी मिलती है। फ्रंट साइड का जो कैमरा है उसके अंदर आपको डायनामिक रेंज अच्छी मिलती है सभी मोड्स के अंदर, और उसके अलावा जो आपको सैचुरेशन मिलती है कलर्स की, और जो कलर स्कीम है
वो थोड़ी सी सैचुरेशन साइड पर मिलती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वैसी पसंद आती है या नहीं आती। फ्रंट साइड में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कीजिए तो उसमें भी आपको 4K की ऑप्शन मिलती है और 1080p 30fps की और 60fps की भी ऑप्शन मिलती है। फ्रंट साइड पर आपको EIS की सपोर्ट भी मिलती है, जिसकी वजह से जो आपकी वीडियोज हैं व्लॉगिंग के लिए जब आप ऐसे अक्सर यूज करते हैं तो उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके अलावा जो मुझे इसके अंदर फीचर एक अच्छा लगा है बैक और फ्रंट दोनों के अंदर, वो ये था कि इसके अंदर आपको मिलती है आई ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी हद तक काम करती नजर आई। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपको बजट रेंज के फोन है वैसी टेक्नोलॉजी मिलती है, थोड़ी एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, बिकॉज इसके अंदर जो आपकी फोटोज हैं वो आउट ऑफ फोकस नहीं होती। इसका फायदा आपको तब होता है जब आप पोर्ट्रेट यूज करते हैं, जब आप कोई चलते हुए पिक्चर लेते हैं तो वो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आने वाली हैं और आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिलेंगी, बिकॉज जब आपकी फोटो है उसके अंदर सही तरह फोकस है तो आपको जो डिटेल्स हैं वो भी अच्छी मिलने वाली हैं। और फ्रंट साइड पर भी आपको स्लोमो की ऑप्शन मिलती है, लेकिन एज कम्पेयर टू बैक कैमरा इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो इसकी डिटेल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं और अगर आप इसको सनलाइट के अंदर भी ट्राई करते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एक मेन फीचर, वो आप सेटिंग में जाकर ऑन कर सकते हैं, AI डिटेक्शन सीन मोड। इसका फायदा ये आपको होगा कि अगर आप सूरज के पास खड़े होकर पिक्चर ले रहे हैं तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करेगा और आपको फोकस में लाएगा और जो कलर्स हैं उनको भी बैलेंस कर देगा। उसके सैंपल के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी ऐसे पिक्चर ट्राई की हैं, ये नहीं कि एक आधी बार फोन ने ऐसा किया, उसने कंसिस्टेंटली मुझे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। सो मुझे इस फोन के अंदर ये वाला फीचर बहुत पसंद आया। सो आपको एक कैसा फीचर लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इस फोन के कैमरा के बारे में बात करता हूँ, नो डाउट वो अच्छा काम करता हुआ नजर आया और उसकी जो डिटेल्स थी वो भी अच्छी थी, कलर सेचुरेशन अच्छी थी और कलर स्कीम भी अच्छी थी। लेकिन आपको कैसा लगा इसका कैमरा और इसका कैमरा सैंपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप और भी इसी टेक वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको और भी इसी टेक वीडियोज मिलती रहें। सो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।